फ्रेंड्स, मैंने आज हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का मुरल 3D फ्रेम बनाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार की मॉडलिंग करने का मेरा फर्स्ट टाइम ही प्रयास है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये मुरल फ्रेम एक आर्टिस्ट की नज़र से बनाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, इस फ्रेम को बनाते टाइम कुछ गलतियाँ हुई है तो आप मुझे बड़े मन से, दिल से माफ़ कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दो। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओम सायराम फ्रेंड्स, मैं संतोष और आप देख रहे हैं अपना अश्वमेध क्रिएशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने ये मुरल फ्रेम इस पिक्चर को देखकर बनाया है। फ्रेंड्स, मैंने जो मुरल फ्रेम बनाए हैं वो बाद में कलर करने के बाद एकदम परफेक्ट बनने वाले हैं। मतलब फेस के जो भाव है आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टूल्स की मदद से एक स्केच बना के लेंगे और बाद में उसके ऊपर मॉडलिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अपना स्केच का काम अब पूरा हो चुका है। तो चलो फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर अब मॉडलिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम चेहरे के अलग अलग पार्ट के हिसाब से मिट्टी ऐड करते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये फ्रेम बनाना मेरे लिए शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन इसके पहले मैंने मोदी जी के बहुत सारे स्पीच सुने हैं और उन्होंने कई बार कहा है कि वी कैन डू इट, और मैंने शुरू किया। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे और ऐसे मॉडलिंग करने की प्रेरणा देगी। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट भी ज़रूर करना।
फ्रेंड्स, अपना ये आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अपना ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपने ये चैनल को सपोर्ट कर दो। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे ही सुंदर वीडियो के साथ।